हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हमेशा मैं कुछ ना कुछ जगहों पे आपको ले जाके नई नई चीज़ें दिखाता हूँ। तो क्योंकि हम लोग सिंगापुर में हैं और सिंगापुर आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम से फेमस है, तो यहाँ की कुछ ही ख़ास चीज़ है जो भी स्मार्ट है, काफ़ी स्मार्ट है। यहाँ पे कुछ ऐसे कन्वीनियंट स्टोर हैं जो बहुत ही स्मार्ट हैं, इतने स्मार्ट हैं कि यहाँ पे कोई भी एक बंदा काम नहीं करता है, कोई भी आदमी काम नहीं करता है। यहाँ पे बस आप अपना एप्लीकेशंस इंस्टॉल करिए, यहाँ पे सिर्फ आपको अपना फ़ोन लेके चलना है और अंदर जाना है शॉपिंग के लिए, जो भी सामान आपको लेना है उसको उठाना है और बस बाहर चलते हुए आ जाना है और आपका पैसा कट जाएगा अपने आप। किसी भी आदमी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ स्मार्ट शॉप्स हैं यहाँ पे, कन्वीनियंट स्टोर्स हैं यहाँ के सिंगापुर में। तो आज मैं आपको वो कन्वीनियंट स्टोर चल के दिखाऊंगा सिंगापुर के। हे दोस्तों, तो आज मैं हूँ यहाँ टेम्पनीज हब सिंगापुर में और यहाँ का ये एक स्मार्ट कन्वीनियंट स्टोर है जो कि सच में स्मार्ट है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अपना सामान खरीदने के बाद किसी आदमी से पैसे नहीं देने हैं, किसी से बात नहीं करनी है। यहाँ पे यहाँ तक कि कोई एम्प्लॉय ही नहीं है। इस शॉप में अंदर आइए, सामान उठाइए, बैग में डालिए, बाहर आ जाइए, पैसे अपने आप आपके फ़ोन से कट जाएंगे। मैं आपको दूसरी शॉप्स भी दिखाऊंगा। तो ये है फिलहाल चेयर्स, एक छोटी सी कन्वीनियंट शॉप, अंदर चल के देखते हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आगे इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं, आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहूं। तो याद रखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चीयर्स, नो क्यू, नो चेक, जस्ट वॉक आउट। तो यहाँ पे ये स्टेप दिए हुए हैं कैसे आपको करना है। स्टेप वन कि आपको एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको अपना कार्ड ऐड करना है, उसके बाद अपने फ़ोन के QR को स्कैन करके अंदर जाना है एप्लीकेशन से, गेट खुलेगा, उसके बाद सामान को उठाना है, जो भी सामान चाहिए है उसको उठाइए, अपने बैग में रखिए, बैग आपको लाना पड़ेगा, बैग यहाँ पे नहीं है, अपना खुद का। उसके बाद जो भी आपका सामान है उसको बस उठाइए, बाहर आइए और अपना आप चेक कर सकते हैं कार्ट में क्या क्या सामान ऐड हुआ है। तो ये है चेयर शॉप जिसके अंदर जाके ऑटोमेटिक बिना किसी आदमी के अंदर आके एप्लीकेशन का QR कोड स्कैन। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने जस्ट स्कैन किया और डोर खुल गया और अंदर आ गया। तो कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं है कोई भी सर्विस के लिए, तो पेमेंट भी अपने आप ही करना होगा। बहुत छोटी सी शॉप है जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ एंड यहाँ और थोड़ा सा सामान है, बट फिर भी कॉन्टेक्टलेस और पर्सनलेस, ऑटोमेटिकली स्मार्ट शॉप। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सामान हैं। तो मुझे यहाँ पे योगर्ट क्यूब दिखे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ट्राई करके देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स। तो ये पीच योगर्ट क्यूब है $350 का, तो मैं ये एक लेता हूँ। और ये है ब्लूबेरी क्यूब्स, तो ये भी एक ट्राई करता हूँ। स्ट्रॉबेरी भी है बट ओके, मैं जस्ट ये दो ट्राई करता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन है चल रही बट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स के लिए,
अच्छा होता है अगर ये प्राइस यहाँ पे लिख के आ रहे होते, बट कोई बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स हैं। स्मार्ट शॉप के लिए तो स्मार्ट एडवर्टाइजमेंट्स होना ज़रूरी है। मेंटोस चोको कैसे होंगे टेस्ट में, कैन नॉट इमेजिन। फ्रूट दिस और दैट, सो ये क्या होगा, और ये नॉर्मल मिंट फ्लेवर। ओके, मुझे जूस लेना है, तो ये 2 for कुछ ऑफर है। यस, सो लेट्स ट्राई दिस 2 pieces साउर सो जूस। दिस ओरियो वाटरफॉल इट्स लुक लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और समथिंग। लेट्स ट्राई ओरियो वाटरफॉल। तो ये कह रहा है कि चेंज योर माइंड, कि अगर आपने अपना माइंड बदल दिया है, सामान को नहीं लेना है, तो उसको वापस उसकी जगह पे रख दिए, तो वो अपने आप वर्चुअल कार्ड जो आपका है, जो भी लिस्ट सामान उठा रहे हैं उसकी बनती जा रही है अपने आप सिस्टम में, उससे हट जाएगा और आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर आपको सामान को ठीक उसी जगह पर रखना होगा जिस जगह से आपने उठाया था। शायद अगर दूसरी जगह पे रख दिया तो वो स्टिल आपके कार्ट में उसकी वैल्यू चढ़ी रहेगी। थोड़ा सा पानी लेते हैं, $190 आइस माउंटेन। यूजुअल से प्राइस यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हैं, बट इट्स ओके, ज़्यादा फर्क नहीं है। सो मैंने यहाँ पे सामान अपना सारा का सारा इस बैग में डाल दिया है। बैग को खुद लाना पड़ेगा, ये मेरा आइकिया का बैग है, यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक बैग नहीं है, तो जब भी आइए तो अपना बैग खुद लेके आइएगा। और बस इसी को मैं लेके यहाँ से बाहर निकलूँगा, मेरा मोबाइल ऐप में मेरा कार्ड पे ये दिखाएगा सारा सामान। देखते हैं ट्राई करके। बैग लेके यहाँ से आया हूँ और डोर अपने आप खुल गया है, और तो मैं बाहर आ गया हूँ सामान के साथ, और मैंने अपना कार्ड चेक किया है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सिर्फ अपने आप एक सामान दिखा रहा है यहाँ पे, जो मैंने ये उठाया, और दूसरा सामान भी उठाया था मैंने वापस रख दिया। तो मेरे फ्रेंड ने अपने पास से दूसरे सामान उठाए हैं, तो उसने जो सामान उठाए हैं वो उसके फ़ोन में आ गए हैं, और जो मैंने अपने हाथों से उठाया है वो मेरे फ़ोन पे आ गया है। तो सिस्टम पता नहीं कैसे काम कर रहा है, पर मैंने जो अपना उठा के वापस रखा वो नहीं आया, बाद में फिर मेरे फ्रेंड ने वो चीज़ उठाई और वो कार्ट में ऐड हो गया है ये सारा सामान। तो मैं अभी आपको दूसरा वाला कार्ड भी दिखाऊंगा, तो उसमें सारा सामान ऐड है। मेरे फोन में सिर्फ ये $1.8 जो ओरियो है वो आया है, बाकी दूसरा कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ, जो सामान मैंने उठाया वो मेरे फोन पे अपने आप चढ़ गया, कटा पर पैसा कट गया, और जो मेरे फ्रेंड्स ने उठाया वो पैसा उसके फोन से कटा है। तो याद रखिएगा कि अगर जो सामान आपको लेना है वो आप ही उठाइए, आपका कोई दूसरा मिलने वाला ना उठाए, वरना उसके पास से पैसे कट जाएंगे। बस मैं यहाँ से क्रॉस हुआ हूँ गेट से और पैसे अपने आप से कट गए। तो ये आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड के फ़ोन पे सारा का सारा सामान आ चुका है, हालांकि मैंने सामान अपने लिए लिया था, फिर भी वो क्योंकि फ्रेंड ने बाद में उसको उठाया, मैंने रख दिया था क्योंकि मेरा हाथ बहुत बिजी था कैमरे में, तो सारा का सारा पैसा मेरे फ्रेंड के फ़ोन से कटा है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि सामान जो आप अपने हाथों से उठाएंगे वही सामान आपके फ़ोन से पैसे अपने आप कटेंगे, और अगर कोई और उठाएगा तो वो पैसे उसके फ़ोन से कटेंगे। तो बहुत संभाल के यहाँ से शॉपिंग करिएगा, और जो भी सामान आप उठा दें अपने आप आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा, और जैसे ही आप इस गेट को क्रॉस करेंगे यहाँ पे, वो पैसे आपके अपने आप कट जाएंगे आपके फ़ोन से, क्योंकि कार्ड ऑलरेडी ऐड है उसमें। तो ये स्मार्ट शॉप है, और बिना किसी आदमी के इस तरह से यहाँ पर काम होता है। तो ये है सिंगापुर की स्मार्ट शॉप, जो कि हम लोगों ने अभी शॉपिंग करी है। ये होती है असली स्मार्ट शॉप की, जहाँ पे एक भी आदमी एक भी एम्प्लॉय नहीं है, और बस आप अंदर जाइए सामान उठाइए बाहर चल के आइए और आपकी शॉपिंग हो गई है, पैसे अपने आप से कट जाएंगे, फ़ोन को छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है चेयर्स। तो ये है एक कन्वीनियंस स्टोर ऑक्टो बॉक्स, छोटा सा स्टोर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एम्प्लॉय नहीं है, चेकआउट काउंटर नहीं है, तो चल के कुछ ख़रीदारी करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अपना ट्रेस टुगेदर ऐप से वहाँ पहले तो चेक इन करेंगे। सिंगापुर का रूल है किसी भी दुकान में जाने के लिए आपको चेक इन करना होता है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखते हैं कैसे अंदर चल सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बार मैं आया हूँ तो मुझे अपना हाथ को स्कैन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनर है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हाथ स्कैन। तो सबसे पहले मुझे अपना यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, न्यू यूज़र हूँ। सो अब मुझे अपना हाथ यहाँ पे डालना होगा स्कैन करने के लिए। ये हुआ। अब मुझे अपना OTP जो मेरे फ़ोन पे आया था जो कि 353051। काफ़ी तेज़ी से बंद हो गया। सो ये जो ऑक्टो बॉक्स है ये है सिंगापुर के बतौनी गार्डन में, NUH जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी उस पर है। तो बतौनी गार्डन में आपको आना होगा अगर आपको ये ऑक्टो बॉक्स में आना है। और अंदर जाके देखते हैं, बहुत बड़ी सी स्टोर नहीं है, छोटा सा है और फिर भी काफ़ी सारा सामान है। देखते हैं, इसके दो स्टोर्स और शायद या तो तीन स्टोर्स हैं अलग अलग जगहों पर। तो मैं यहाँ पर आया हूँ बतौनी गार्डन के। तो जैसा आप देख सकते हैं छोटी सी दुकान है, बट ये एक स्मार्ट शॉप है। यहाँ पे एक भी आदमी नहीं है कोई भी काम करने वाला, बस आप अपना सामान उठाइए, यहाँ से आइए, सामान उठाइए, बैग में रखिए और एक्सप्रेस चेकआउट को यहाँ से करिए। ये भी चल के देखेंगे अभी हम लोग। अगर कुछ नहीं ख़रीदा है तो बस स्कैन करिए और बाहर निकल जाइए, पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अलग अलग तरह के ड्रिंक्स हैं, चाइनीज़ में लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट अच्छी चीज़ यह है कि मैं फ़ोटो देख सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये लिया है, इस पर इलायची है, तो यहाँ पे शायद से ऑरेंज है, लेमन है, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और कुछ कस्टर्ड्स और स्नैक्स हैं। हर चीज़ चाइनीज़ में है, सो मुझे चाइनीज़ नहीं आती है तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो ये कुछ एलियन एनर्जी ड्रिंक है, ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भी ये बॉटल ली है, इसके पीछे QR कोड है और एक तरफ स्टिकर है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ स्कैन होगा अपने आप, इसको बस मुझे अपने बैग में रखना है और यहाँ से बाहर निकल। रेमबो चिप्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हर चीज़ पे टैग लगा हुआ है, यही मेरे ख्याल से बाहर निकलते वक्त स्कैन करेगा इसको। ओके, सो ये है करेल मिल्क शेक, लिक्विड तो नहीं लग रहा है इसके अंदर। विटामिन सी की ये गोलियां हैं, जेली के जैसे हैं। तो मैं ये पीच वाटर ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। प्लेन वाटर है पीच फ्लेवर में, $2.80। तो ये इंडिया के कुछ 150 रुपये के आसपास हुआ, छोटी सी पानी की बॉटल पीच फ्लेवर में। ओके, सो यहाँ पे ये है डक स्किन आई थिंक, ये है फिश, ये है क्रैब और ये है स्टिक स्कॉट क्रिस बोन, आई डोंट नो। सो मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है, सब ये नॉनवेज मटेरियल है यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं ये भी शायद से डक है और ये है शायद से कोई आइडिया नहीं है ये क्या है, कमेंट में बताइए अगर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है मुझे।
तो काफ़ी सारे स्नैक हैं यहाँ पे, ये कुछ बॉल्स हैं सूप के साथ पीने के खाने के लिए, और ये छोटे छोटे से बर्गर बॉल हैं, क्या हैं ये सब खाने के स्नैक्स हैं। तो ज़्यादातर सामान यहाँ पे सब चाइना का सामान है, प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे ये तारो ब्लैक राइस सोय मिल्क स्मूदी, सो शायद से कुछ क्यूब्स हैं राइस के जो कि खाए जाते हैं सूप के साथ या ऐसे ही कुछ, कॉर्न है, और यहाँ पे यमली, मुझे तो आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का। तो ये एक योगर्ट ड्रिंक है, मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ इंग्लिश लिखा है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो मैं एक ये भी लेता हूँ। इसका प्राइस है 195, तो मतलब के कुछ 200 रुपए के आसपास, नो सॉरी 100 रुपए के आसपास, इंडियन रुपीस के आसपास। लेट्स ट्राई। तो मेरे पास तीन ड्रिंक्स हैं, तीन चार ड्रिंक्स हैं, चलिए वो देखते हैं हम लोग पे करके। यहाँ पे मुझे तीन आइटम फिर से लिखता हूँ, रिटर्न टू स्टोर। स्कैनिंग कर रखा है, स्कैनिंग आइटम स्कैन कर रहा है। वन आइटम फाउंड, मेरे पास ज्यादा सामान है तो मैं इसको निकाल के रखता हूँ तीन बॉटलें, शायद से ये स्कैन करे। ओके नाउ थ्री आइटम फाउंड, आई गो टू कंटिन्यू टू परचेज एंड देन ओके। मुझे जो मोबाइल का नंबर था मेरे ख्याल से ओटीपी वो डालना होगा, इंटर द लास्ट फोर डिजिट। ओके मुझे फोन के लास्ट फोर डिजिट डालने हैं। देन अगेन यहाँ पे काम को मुझे रखना है केस सिलेक्ट पेमेंट, तो मुझे अपना कार्ड चूज करना है। यहाँ टैप किया मैंने, पेमेंट डन, ओके जो ओपन हो गया है मुझे सामान अपना। ओके काफी तेजी से बंद हो गया है, जो कोई बात नहीं, हम खोल सकते हैं डोर को। फिर से हम यहाँ पे आए, एक्सिट नो परचेज, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक्सिट नो परचेज और डोर ओपन। तो ये था सिंगापुर के कन्वीनियंट स्टोर्स, जो कि स्मार्ट हैं, जो कि स्मार्ट कन्वीनियंट स्टोर हैं, जो कि सच में स्मार्ट हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, अगर आप लोग हैं तो ट्राई करिए, खरीद के सामान देखिए कैसा लगता है। पर मुझे एक्सपीरियंस में चेयर्स ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉपर तरह से सामान स्कैन होता है। जैसा कि आपने देखा कि सामान को मैंने उठाया तो मेरे पास से कटा, मेरे फ्रेंड ने उठाया तो उसके पैसे से कटा, और ये लोग जो हैं यहाँ पे ये हैंड स्कैन करते हैं, मतलब आपका बायोमेट्रिक डाटा ले रहे हैं ये लोग। तो ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि चेयर्स में बस वो फ़ोन आपका रजिस्टर है और कार्ड रजिस्टर है, आप बस QR कोड स्कैन करिए, अंदर जाइए शॉपिंग करिए, बाहर आइए अपने आप आपके फ़ोन से जो कार्ड आपका रजिस्टर है पैसे अपने आप से कट जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा आपको कार्ड इनपुट करना पड़ता है नॉर्मल शॉप की तरह, तो आपको स्कैन भी मुझे दो बार करना पड़ा, एक बार मेरा सामान नहीं दिखा रहा था तो उसके बाद कार्ड इंसर्ट करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा मैनुअल भी है और ठीक है, बट फिर भी स्मार्ट स्टोर्स हैं। तो इसके बाहर मैं जूस और लेने जा रहा हूँ, ऑरेंज का फ्रेश जूस है यहाँ पे $2 का, मतलब लगभग 100 रुपये का। ये ऑटोमेटिक मशीन है यहाँ पे, आपको अपने आप ही जूस बना के यहाँ से बाहर देगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आई जूस जो है सिंगापुर में, बहुत सारी जगहों पे ये मशीनें लगी हैं सिंगापुर पे जूस की, तो ये कैसे काम करता है, आपको फ्रेश जूस ऑटोमेटिकली बना के कैसे देगा। पेमेंट किया, प्लीज वेट, यहाँ पे ग्लास आके गिरा है अभी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑरेंजेस आ रहे हैं लाइन से, तो यहाँ पे ऑरेंज यहाँ से नीचे जाना शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज आके गिर रहे हैं, ये गोल गोल घूम रहे हैं। छिलके हैं वो अलग गिर रहे हैं जाके, और यहाँ पे जूस जो है वो भरता जा रहा है। देखिए अंदर ग्लास गया जूस भरने के बाद से,
अभी नहीं खुलेगा, यहाँ पे आया, सील हो गया अपने आप से, और सील होने के बाद से अब इसकी मैंने उठाया और गिलास को उठा लिया, गर्म सील हो गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया स्ट्रॉ के लिए और मुझे ये स्ट्रॉ मिल गई और ये हम लोगों को फ्रेश जूस बना के इस मशीन में दे दिया ग्लास को पूरा सील करके। चीयर्स जूस। ये थे यहाँ सिंगापुर के स्मार्ट स्टोर। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, और लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और इसी तरह का अगर आपको कोई नॉलेज है यहाँ सिंगापुर में, कोई चीज़ जाननी है आपको यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए, मैं जाके आपको दिखाऊँगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। बाय बाय।